अगर आप फ्री फायर इंडिया के पोस्टर को ध्यान से देखो तो आपको इंडिया का मैप दिखेगा। अरे देवा, मेरे भाइयों क्या हालचाल है यार, बस 2 दिन और बाकी है फ्री फायर इंडिया आने में। अब आई नो ऐसे में आप में से सभी लोग जानना चाहते हो कि आखिर हमारा फ्री फायर इंडिया होगा कैसा, क्या इसमें पहले की तरह ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड होगा या फिर पहले की तरह एक बढ़िया सा स्पॉन आइलैंड, और सबसे मेन चीज क्या फ्री फायर इंडिया के अंदर इंडिया का मैप होने वाला है। तो हाँ यार, आज की इस वीडियो में ना आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो इसी बात पे आप लोग भी अपना होमवर्क कम्प्लीट कर लेना, यानी कि लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है समरिया। तो जो सबसे पहला चीज है वो है अपडेट फॉर माइनर्स, यानी कि आप में से जितने भी लोग 18 साल से कम हो बट उन्होंने सिलेक्ट 18 अबव किया है एंड अब आपको टेंशन हो रहा है कि यार कहीं गरीना मेरा अकाउंट ना बैन कर दे, तो मैं आपको बता दूं, बड़े भाई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। आपने 18 प्लस सिलेक्ट किया बट अगर आप 18 से नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो यार। देन है हमारा सस्पेंडेड अकाउंट अनबैन, तो आप में से जिनका भी अकाउंट एब नॉर्मल एक्टिविटीज कह के बैन कर दिया गया तो आपने अपने उस अकाउंट को फ्री फायर इंडिया के अंदर एक्सेस कर सकते हो। पर हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका अकाउंट अगर विदाउट एनी रीजन सस्पेंड हुआ हो तभी होगा ये चीज, देन होने वाले लाइव हैकर बैन, यानी कि अगर आपके गेम में कोई हैकर आता है एंड अगर आप उसको रिपोर्ट करते हो तो चलते मैच में, मतलब बीच मैच में उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, और अगर आपका रिपोर्ट 100% सही रहा, मतलब आपने रिपोर्ट किया एंड वो बंदा सच में हैकर रहा, तो उस गेम में आपका माइनस नहीं लगेगा, आपका रैंक माइनस नहीं होगा, प्लस आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे मेल बॉक्स पे। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, आप लोग किसी को फेक रिपोर्ट मत करना, मतलब एक बार कंफर्म कर लेना कि वो बंदा हैकर ही है तभी रिपोर्ट करना। अगर आप फालतू में रिपोर्ट करोगे तो आपका कुछ मेरिट या फिर वगैरह कुछ कम होगा, ऐसा कुछ सिस्टम होने वाला है, तो आप लोग पहले कंफर्म हो लेना कि हाँ वो बंदा हैकर ही है तभी रिपोर्ट करना, जो कि अभी 5 तारीख को फ्री फायर इंडिया आएगा ना तब से ये सिस्टम चालू होगा। देन उसके बाद आता है हिंदी लैंग्वेज। अब मुझे पता आप लोग बोलोगे यार हिंदी लैंग्वेज तो अभी भी गेम के अंदर है, पर नहीं, ये ना थोड़ा एडवांस फॉर्म होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ से मेरी मदद करो, दुश्मन आ रहे हैं, उन्हें रोक दो, सब्र रख, बहुत बढ़िया। मतलब जो आप गेम के अंदर जैसे हेल्प मी या फिर एनिमी ऐसा लगाते हो ना, वो इस टाइप का वॉइस में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो जब फ्री फायर इंडिया आ जाएगा। और बस इतना ही नहीं, आपको ना यूट्यूबर्स के वॉइस भी देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है तुम्हारे भाई का भी वॉइस आ जाए फ्यूचर में, मैं कुछ कह नहीं सकते यार, बट ऐसा हो सकता है कि जैसे एनिमी या फिर लोकेशन मार्क्ड जो हम लोग लगाते हैं तो जो वॉइस बोलता है ना गेम, उस वाले वॉइस की मैं बात कर रहा हूँ, वो हिंदी पैक में आ जाएगा एंड धीरे धीरे करके बहुत सारे आपको इंडियन सेलिब्रिटीज और इंडियन यूट्यूबर्स के भी वॉइसेस देखने को मिल सकते हैं, बाकी जब आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। देन है जो 5 तारीख को हमारा फ्री फायर इंडिया आ जाएगा, तो अभी के टाइम पे जो आपके फोन में फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स है, इन दोनों एप्स का क्या होगा, मतलब क्या हम लोग इसको खोल ही नहीं पाएंगे, या फिर फ्री फायर इंडिया में लॉग इन करने के बाद अगर हम लोग वापिस से फ्री फायर खोले तो हमारा अकाउंट बैन हो जाए, मतलब क्या होगा कुल मिला के, ये जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई देखो, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होंगे। आपका पहला जो फ्री फायर और फ्री फायर इंडिया है वो शट डाउन हो जाएगा, यानी कि जो आपकी इंडिया सर्वर वाली आईडी है ना उसको आप लोग रन नहीं कर पाओगे फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स वाले ऐप के अंदर 5 तारीख के बाद। और दूसरी जो चीज़ है ना वो है, अगर आपके पास दूसरे सर्वर की आईडी है लाइक बांग्लादेश सिंगापुर वगैरह, मेरे पास है बहुत सारे सर्वर की आईडीज़ है, तो ये सब ना आप वीपीएन लगा के एक्सेस कर पाओगे, मतलब अगर आपको सिंगापुर सर्वर या फिर बांग्लादेश सर्वर का आईडी लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा, ऐसे आप लोग नहीं कर पाओगे। बाकी मेरे को तो सही लगा यार, ठीक है जब फ्री फायर इंडिया आ जाएगा तो फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स अनइंस्टॉल ही कर देना, क्योंकि ये आपका बस जगह ही घेरेगा। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर फ्री फायर इंडिया आने के बाद अगर फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स खोलेंगे तो आईडी बैन वगैरह, ना 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 रे, इन सब चीज के लिए निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देन है हमारा ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड, यानी कि क्या फ्री फायर इंडिया के अंदर ट्रेनिंग ग्राउंड में चेंज होगा। अब देखो, ये बताने से अच्छा ना मैं आपको एक चीज क्लियर ही बता देता हूँ कि ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड, ओल्ड स्पॉन आइलैंड, या फिर जो जंप वंप करते थे ना आप लोग पहले की तरह, या फिर जो ग्लाइडर वगैरह था, भाई इन सब में से कुछ भी रिटर्न नहीं आने वाला है। देखो, जो फ्री फायर इंडिया के जो बेसिक्स होंगे ना, बेसिक्स जो नॉर्मल आप गेम खेलते हो लाइक ड्रैग करके हेडशॉट मारना, या फिर जो गेम के अंदर नॉर्मल गाड़ियां चलती है, या फिर जो नॉर्मल मैप्स है, इन सब में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये सेम फ्री फायर ही है। अगर आप सोच रहे हो कि फ्री फायर इंडिया कुछ अलग है, नो,
फ्री फायर और फ्री फायर इंडिया दोनों सेम ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लाइक क्लैश स्क्वाड के अंदर अभी सब कुछ छोटा छोटा हल्का हो गया है, तो ये सब रहेगा ही रहेगा। इन सब में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, गेम का मैकेनिज्म सेम ही रहेगा। जो मेन के बाहर वाले फीचर्स है ना, जो लाइक जैसे इंटरफेस वगैरह, इन सब में चेंज होगा। गेम के बेसिक्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो गेम के मैकेनिज्म है ना उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। देन है हमारा MS धोनी इवेंट, यानी कि अपने MS धोनी सर के साथ जो कोलैबोरेशन होने वाला है उसमें हमें कौन कौन से इवेंट्स देखने को मिलेंगे एंड बेसिकली क्या सीन होने वाला है। तो देखो यार, इसका ना मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना 5 तारीख के बाद एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं पूरा इवेंट का डिटेल्स बता दूंगा कि कौन कौन से इवेंट्स होंगे, कौन कौन से उसमें चीज़ें मिलने वाली आपको, रिवॉर्ड्स वगैरह। बट फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो MS धोनी सर होंगे ना, इनके कैरेक्टर का नाम थाला होगा, ठीक है। और बात करें इसकी एबिलिटी की कि कैरेक्टर की एबिलिटी क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी तक इसकी एबिलिटी कन्फर्म्ड नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी रहने ही देते हैं ना, जब कन्फर्म होगा तो मैं आपको कन्फर्मली बता दूंगा। एंड इससे एक चीज़ याद आया, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच में देखे क्या हुआ था यार, इंडिया वालों ने बैटिंग कर ली और जब बॉलिंग फील्डिंग की बारी आई मैच ही रद्द। ये वही हो गया जो हमारे साथ होता है ना, जब हम लोग जाते बोलते हैं ये चल बैटिंग करा, और हम लोग बैटिंग करने के बाद अरे यार अब मन नहीं कर रहा बॉलिंग करने का, चलो बाद में खेलेंगे, वैसा सीन हो गया। बट फिलहाल छोड़ो यार, क्रिकेट की बातें क्यों कर रहे हम लोग, फिलहाल जो मेन टॉपिक है उस पर वापस आते हैं। क्या हमारे फ्री फायर इंडिया के अंदर इंडिया का मैप आने वाला है? क्योंकि यार अगर इंडिया का गेम है वो, अगर जो फ्री फायर इंडिया देखा जाए तो बेसिकली इंडियन थीम पे ही बेस्ड है ना, तो क्या उसमें इंडिया का मैप होगा? एंड इंडिया का मैप होगा भाई, फिर तो हम लोग अपने घर पे भी लैंड कर सकते हैं। तो यार देखो, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना तो इंडिया का मैप आने वाला, ना तो आप लोग अपने घर पे उतर सकते हो, ठीक है। जो आपको मेन बात है वो बताता हूँ, ध्यान से सुनो गाइस। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि गेम सेम होने वाला है, यानी कि गेम का जो मेन थीम है ना, आप लोग एक चीज़ समझ लो, जो गेम का गाइस थीम है ना उस पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मैप बरमूडा है तो बरमूडा ही मिलेगा, परगेटरी है तो परगेटरी मिलेगा, कालाहारी है तो कालाहारी ही मिलेगा। आपको गेम के अंदर जो गेम का मेन इंटरफेस है ना उस पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जो फ्री फायर खेल रहे हो ना, सुनो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो फ्री फायर खेल रहे हो ना अभी, सेम यही फ्री फायर आपको फ्री फायर इंडिया में भी खेलना है। बस डिफरेंस ये होगा ना कि अभी फ्री फायर में जो नो फ्यूचर है, फ्री फायर इंडिया में आपको कुछ रहेगा कि हाँ अगर हम गेम खेल रहे हैं, अगर आप लोग रैंक पुश भी करते हैं ना फ्री फायर इंडिया में, हालांकि भाई 6 घंटे में क्या ही रैंक पुश कर लोगे यार, बट यस आपको पता होगा गेम के अंदर टाइम लिमिट लगा हुआ है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग रैंक पुश वगैरह कुछ भी करते हो तो आपके पास एक रहेगा कि हाँ चलो यार कम से कम गेम तो है। तो कुल मिला के बस यही सीन है, उसके अलावा अगर आप और भी कुछ सोच रहे हो यार ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। गेम के इंटरफेस वगैरह में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। डिफरेंस बिटवीन फ्री फायर एंड फ्री फायर इंडिया, अब मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग भी इस चीज़ को तो जानना चाहते ही होंगे कि यार अगर सब कुछ सेम है फ्री फायर, मतलब अगर अभी के कंपेयर करें, जस्ट अभी अभी की बात करें, ठीक है, अगर आप अभी के टाइम पे फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स खोलो तो आपको फ्री फायर इंडिया ही देखने को मिलता है। उसके अंदर आपको गेम खोलने पे नोटिफिकेशन मिलता है कि दिस इज़ अ वर्चुअल गेम, अगर आप मर भी जाते हो तो रिस्पॉन कर सकते हो, या फिर गेम खोलते ही आपको एक पॉपअप शो हो जाता है कि कन्फर्म करने के लिए फ्री फायर इंडिया का, ठीक है। तो अगर फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स में इतना कुछ लिखा हुआ है, तो फिर फ्री फायर इंडिया और फ्री फायर नॉर्मल जो अभी आप खेल रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है यार? तो देखो मैं आपको बता दूं कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। पहली चीज़ कि आपका 5 तारीख के बाद से नॉर्मल फ्री फायर मैक्स आपका शटडाउन हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपके जो पिंग इशू हैं, ठीक है, पिंग या फिर लैग इशू हैं वो टोटली फिक्स हो जाएंगे। देन जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का सपना देखते हो ना भाई, आपके लिए रास्ता पूरा खुल जाएगा, ठीक है। एंड मुझे पता है यार कि आप में से बोलोगे यार क्या गारंटी है कि फ्री फायर इंडिया बैन नहीं होगा, क्योंकि BGMI भी तो आया था ना इंडिया के लिए, वो भी तो बैन हो गया था, वो बात अलग है वापस अनबैन हुआ, बट बैन तो हो गया था ना एक पल के लिए, तो क्या गारंटी है कि फ्री फायर इंडिया नहीं होगा? यार इसकी ये सच बताऊं तो कोई गारंटी नहीं, हो सकता है कि बैन वैन हो जाए, क्योंकि यार देखो रेड डैमेज को ऑरेंज डैमेज में कन्वर्ट कर दिया गया, देन जो बॉडी में ब्लड के इफेक्ट थे उसको वो पटाखे से रिप्लेस कर दिया। अब आप किसी बंदे को मारोगे तो लग रहा है जैसे पटाखे फूटते ना चट 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 करके, मतलब तर 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 करके, क्या बोल रहे हो, कर कर चट चट, तो उस टाइप के पटाखे फूटते हैं। तो हाँ ये चीज़ तो होगा यार, इस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ, बाकी देखते हैं ना क्या होता है, जो होगा मैं आपको बता दूंगा वैसा, ठीक है। बाकी बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।